आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर हो सकता है जिसमें हम दोनों शिफ्ट ऑपरेशंस एक साथ, मतलब एक ही रजिस्टर में हम दोनों शिफ्ट ऑपरेशंस एट ए टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा दो और ऑपरेशन उसमें हम कर सकते हैं, वो है नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है कि पहले जो फ्लिप फ्लॉप्स की, मतलब रजिस्टर की पहले जो स्टेट्स थी जो उसने स्टोर कर रखा था, मान लिया पहले उसने 1010 स्टोर कर रखा था, तो बाद में भी क्लॉक पल्स के ऑकरेंस के बाद भी क्या होगा, उसमें 1010 ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा ऑपरेशन राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट हमें पता है कि क्या होता है कि जो बिट्स होती है वो कहां शिफ्ट होती है, राइट साइड में शिफ्ट होती है। इसके अलावा लेफ्ट शिफ्ट, मतलब जिसमें बिट्स क्या होती है, लेफ्ट में शिफ्ट होती है। इसके अलावा पैरेलल लोड, मतलब जो इनपुट्स हम दे रहे हैं वो कहां पे आएंगे, ट्रांसमिट होंगे, मतलब वो ट्रांसफर होंगे आउटपुट में। अब क्योंकि ऑपरेशंस कितने हैं, हम चार ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं और रजिस्टर हमारा क्या है, ये एक रजिस्टर है। रजिस्टर में पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है। अब इसमें क्योंकि चार फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इसका मतलब ये क्या है, 4-bit रजिस्टर है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने हैं, चार ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अब ये चारों एक साथ तो हो नहीं सकेंगे, एट ए टाइम कोई सा एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कौन सा ऑपरेशन इन चारों में से, इन 4 operations में से कौन सा एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, इनके इनपुट्स में मल्टीप्लेक्सर्स लगा रखे हैं। तो ये क्या है, 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर्स हैं। तो ये सभी क्या है, 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर्स यहाँ पे हमने लगा रखे। 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, जिसमें चार इनपुट्स दिए जाते हैं, उनमें से वो किसी एक आउटपुट को सिलेक्ट करके आगे ट्रांसमिट करता है, आगे भेजता है, मतलब हमें आउटपुट में देता है। तो ये क्या है, 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर्स है। अब हमें पता है कि 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर है, इसका मतलब क्या है, 4 को क्या लिखा जाता है, 2^2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब इसमें सिलेक्शन लाइंस कितनी होंगी, 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। तो ये हमने कॉमन सिलेक्शन लाइंस यहां से S1 और S0 दे दी हैं। तो S1 S0 हमने क्या दी हैं, 2 सिलेक्शन लाइंस इसमें दी हैं। तो 2 सिलेक्शन लाइंस, इसका मतलब इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 0-0 हो सकता है, 0-1 हो सकता है, 1-0 हो सकता है और 1-1 हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब इन सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू क्या होगी, 0-0 होगी, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, नो चेंज, मतलब जो इनकी वैल्यूज थी रजिस्टर की, जो इन फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू थी वही मेंटेन रहेंगी। मतलब यहां से 0-0, S1 S0 की वैल्यू क्या हुई, 0-0। तो इसका मतलब इन सभी से क्या जाएगा, 0-0, यहां से भी 0-0, यहां से भी क्या जाएगा, 0-0 जाएगा। 0-0 जाने की वजह से क्या होगा, यहां से कौन सिलेक्ट होगा, 0 सिलेक्ट होगा, यहां से भी 0 सिलेक्ट होगा, यहां से भी 0 सिलेक्ट होगा, यहां से भी 0 सिलेक्ट होगा। अब मान लिया पहले इनकी जो प्रीवियस वैल्यूज थी वो क्या थी, 1010 थी, मान लिया। तो ये 1 यहां से आएगा, यहां पे चला जाएगा, ये 0 यहां से आएगा, ये 1 यहां से आएगा और ये 0। इसको हम अभी आगे डिटेल में देखते हैं, ये सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूं। अब इसके बाद जब अगर इनकी वैल्यू क्या होगी, 0-1 होगी, 0-1 होगी, इसका मतलब क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। अब किस तरह से होगा, 0-1 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब कौन सा इनपुट सिलेक्ट होगा, यहां से ये 1 सिलेक्ट होगा, 1 सिलेक्ट होगा। इसका मतलब अब यहां से, क्योंकि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं, 0-1 पे राइट शिफ्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो यहां से हमें राइट में से, सॉरी लेफ्ट में से, यहां से हमें क्या देनी पड़ेगी, एक बिट यहां से हमें देनी पड़ेगी, मतलब कौन से बिट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं। मतलब मान लिया कि पहले जो कंटेंट्स थे वो क्या थे, 1010 थे, अब इन सभी को हम कहां शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट में, मतलब ये 1 यहां चाहते हैं, ये 0 यहां, ये 1 यहां और ये 0 फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहां से एक बिट देनी पड़ेगी, तो ये जो बिट हमें देनी है वो हमने यहां से दी है, तो यहां से ये बिट हमने दी है, इसका हमें जो भी है आउटपुट मिल जाएगा। और इसके आउटपुट को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इसके 1 से, क्योंकि अब क्योंकि 0-1 मतलब कौन सिलेक्ट होगा, 1 सिलेक्ट होगा। फिर इसका जो आउटपुट आया है उसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इसके 1 से कनेक्ट कर रखा है। इसी तरह से इसके आउटपुट को इससे 1 से कनेक्ट कर रखा है। इसी तरह से जब वैल्यू होती है इनकी 1-0 होती है, तो 1-0 होने पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म होगा। तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब बिट्स को हमें इस साइड शिफ्ट करना है, तो यहां से हमें एक बिट देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया है, क्योंकि 1-0 का मतलब क्या होता है, 2, तो यहां से कौन सिलेक्ट होगा, 2 सिलेक्ट होगा। तो
टू सिलेक्ट होगा, टू सिलेक्ट होगा तो जो भी बिट हमें शिफ्ट करनी है वो यहां से हमें देनी पड़ेगी। तो हम यहां से ये बिट देंगे, ये जो भी है यहाँ पे डी में एज ए इनपुट यहाँ पे जाएगी। अब इसके आउटपुट को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इसकी टू वाले से कनेक्ट कर रखा है। इसी तरह से इसके आउटपुट को हमने किससे कर रखा है कनेक्ट, इसकी टू वाली इनपुट लाइन से कनेक्ट कर रखा है। और इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हमने इसकी टू वाली इनपुट लाइन से कनेक्ट कर रखा है। अब एक बार हम क्या देखते हैं इसकी वर्क। इनिशियली हम क्या मान लेते हैं कि ये जो सभी फ्लिप फ्लॉप है उनकी वैल्यूज क्या है, जीरो 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 है, तो इनके आउटपुट्स भी ऑब्वियसली क्या आएंगे, जीरो 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 आएंगे। अब इसके लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि कुछ ना कुछ इनमें कोई कंटेंट्स होने चाहिए। तो हम पहले मान लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, कुछ लोड करनी है, मतलब इनमें इनपुट हमें कुछ लोड करना है नया। तो उसके लिए पैरेलल लोड, मतलब ये वाला केस हम चाहते हैं कि हम पैरेलली कुछ इनपुट ट्रांसफर करना चाहते हैं इन फ्लिप फ्लॉप्स में। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू क्या कर देंगे, वन वन कर देंगे। सिलेक्शन लाइन्स की वैल्यू वन वन करने की वजह से होगा क्या, वन वन का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, थ्री है। तो इन सभी से क्या सिलेक्ट होगा, थ्री सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट होगा, थ्री सिलेक्ट होगा। तो थ्री सिलेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो भी इनपुट हम यहां से देंगे वो कहां पे जाएगा, यहां से बाहर होके जाएगा और इन फ्लिप फ्लॉप में एज ए इनपुट जाएगा, मतलब इनका जो आउटपुट आएगा वो इनके इनपुट की तरह काम करेगा। तो अब मान लिया हमने ये आई थ्री आई टू आई वन आई जीरो, इसकी वैल्यू क्या दी है, वन जीरो वन जीरो दी है। तो अब क्योंकि सिलेक्शन लाइंस क्या है, वन वन है इनकी वैल्यू, तो कौन सिलेक्ट हो रहा है, थ्री सिलेक्ट हो रहा है। तो इस थर्ड इनपुट लाइन में जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, इसके आउटपुट की तरह बाहर निकलेगा, इसके आउटपुट के तौर पर बाहर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड से हमने यहाँ पे क्या भेजा है, वन भेजा है। तो ये वन यहां से बाहर गया, यहां से हमने क्या भेजा है, जीरो भेजा है। तो यहां से क्या गया, जीरो गया। यहां से हमने वन भेजा है तो ये वन यहां गया, और यहां से हमने क्या भेजा है, जीरो भेजा है, तो यहां पे गया जीरो। अब अभी हमें ये जो है डी थ्री की वैल्यू हो गई वन, डी टू की वैल्यू जीरो, डी वन की वैल्यू वन, डी जीरो की वैल्यू जीरो। तो मतलब वन जीरो वन जीरो ये आ गए। अब आउटपुट हमें कब मिलेगा, जब क्लॉक पल्स, फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद में हमें आउटपुट मिलेगा। अब क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो इसका मतलब फॉलिंग एज पर हमें आउटपुट मिलेगा। मतलब कब आउटपुट मिलेगा, इस एज पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो कुल मिला के फर्स्ट क्लॉक पल्स के बाद क्या हमें आउटपुट मिलेगा, तो अब क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका मतलब क्या है कि जो डी की वैल्यू होगी वही हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी। तो डी की वैल्यू, यहाँ पे डी थ्री की वैल्यू वन है, तो यहाँ पर ए थ्री की वैल्यू भी वन। डी टू की वैल्यू यहाँ से क्या गई है, जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो। इसी तरह से डी वन की वैल्यू वन है तो यहाँ पर भी वन, डी जीरो की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर भी मिल गया जीरो। तो इस तरह से कौन सा हो गया, पैरेलल लोड ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हमारे ऊपर देखिए अगला ऑपरेशन हमें कौन सा परफॉर्म करना है। मान लिया अब हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो हम क्या कर देते हैं, सिलेक्शन लाइंस की वैल्यू जीरो वन कर देते हैं। तो जीरो वन करने की वजह से इन सभी में से अब क्या सिलेक्ट होने वाला है, वन सिलेक्ट होने वाला है। जीरो वन मतलब वन सिलेक्ट होने वाला है। तो यहां से भी वन सिलेक्ट होगा, यहां से भी वन सिलेक्ट होगा, यहां से भी वन सिलेक्ट होगा, और यहां से भी क्या सिलेक्ट होगा, वन सिलेक्ट होगा। तो अब सबसे पहले मान लिया अब इसके कंटेंट्स क्या है, वन जीरो वन जीरो है। अब 1010 है और हम शिफ्ट क्या करना चाहते हैं, राइट शिफ्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको यहां पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अब मान लिया यहां पर, अब यहां पे हमें कोई ना कोई बिट तो देनी पड़ेगी। ये जो है सबसे जो लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप है, यहां पे हमें कोई सी ना कोई सी बिट तो देनी पड़ेगी। तो हम मान लिया यहां पर हम क्या देना चाहते हैं, वन देना चाहते हैं। तो अब हम यहां से क्या भेजेंगे, वन भेजेंगे। क्या भेजेंगे, बिट फॉर राइट शिफ्ट। तो यहां से हमने क्या भेजी, मान लिया वन यहां पर भेजा है, वन यहां पर भेजा है। तो यहां से क्या निकल जाएगा, वन आएगा, क्योंकि वन सिलेक्ट हुआ है। तो यहां से क्या आएगा, वन आ जाएगा। इसके बाद में अब यहां से थ्री नहीं सिलेक्ट हो रहा है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अभी इसका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें आउटपुट कब मिलने वाला है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे मिलने वाला है। तो अभी इसका आउटपुट नहीं आएगा। अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा, इस ए थ्री का जो भी आउटपुट आया था, अब ये ए थ्री का आउटपुट क्या आया था, ये 1010 ये आउटपुट्स आए थे, 1010 ये आउटपुट्स आए थे। तो ये ए थ्री का जो भी आउटपुट आया था वन, ये कहां पे चला जाएगा, यहां पे जाएगा। कहां चला जाएगा, यहां पे वन चला जाएगा। अब क्योंकि यहां से भी क्या सिलेक्ट हो रहा है, वन ही सिलेक्ट हो रहा है। तो अब ये वन कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा।
तो डी टू की वैल्यू भी क्या हो गई अब 1 हो गई, तो डी थ्री की वैल्यू तो 1 हमने यहां से दी ही थी, डी टू की वैल्यू भी क्या हो गई अब 1 हो गई। अब इसके बाद ए टू की जो भी वैल्यू थी वो जीरो यहां से गई और कहां पे चली गई, यहां पे चली गई। तो अब क्योंकि 1 सिलेक्ट हुआ है अभी, तो यहां से क्या निकला, 0 निकला। तो अब इसी तरह से डी वन की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर ए वन की जो भी वैल्यू आई थी वो कहां पे चली गई, ये यहां पर चली गई, तो ए वन की वैल्यू क्या थी, 1। तो अब यहां से भी क्या निकलेगा, बाहर 1 निकलेगा। अब इसके बाद में इसी तरह से डी जीरो की वैल्यू भी क्या हो गई, अब 1 हो गई। अब ये जो इनपुट्स तो हो गए सेट, अब इसके बाद आउटपुट कब मिलेगा, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे हमें क्या मिलेगा, सेकंड क्लॉक पल्स पे आउटपुट्स मिलेंगे। तो जो डी की वैल्यू है वही हमें क्या मिलेगी आउटपुट में, तो यहां पे 1 है तो यहां पे भी हमें क्या मिला, 1। यहां पे 1 है तो यहां पे भी क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ए टू भी क्या हो गया, 1 हो गया। यहां पर 0 है तो यहां पर क्या मिल गया, हमें 0 मिल जाएगा। तो अब ए वन क्या मिल गया, 0। इसी तरह से इसकी वैल्यू 1 है तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो ये हो गया, तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है, राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। देखो पहले वैल्यू क्या थी, 1010 थी, अब क्या मिल गई है, 1101। तो ये क्या हो गया, राइट शिफ्ट परफॉर्म हो गया। अब मान लिया हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो अब हमें सिलेक्शन लाइंस क्या देनी पड़ेंगी, 10 देनी पड़ेगी। तो क्या सिलेक्ट होगा, 2 सिलेक्ट होगा। तो यहां से हमने दिया 1, यहां से क्या दिया, 0। तो सभी में अब क्या सिलेक्ट होगा, 2 सिलेक्ट होगा। क्या सिलेक्ट हो जाएगा, अब 2 सिलेक्ट होगा, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। मतलब सेकंड इनपुट लाइन पे हम जो भी देंगे वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अब हमें क्योंकि परफॉर्म क्या करना है, अब हमें लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 यहां आना चाहिए, ये 0 यहां आना चाहिए, ये 1 यहां आना चाहिए। अब लेफ्ट में यहां पे हमें कोई ना कोई बिट देनी पड़ेगी। तो मान लिया हम क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 देना पड़ेगा। तो ये 1 यहां से हमने दिया, 2 सिलेक्ट हुआ है अभी, ध्यान रखना है हमें क्या सिलेक्ट हुआ है, 2 सिलेक्ट हुआ है। तो ये 1 यहां से कहां आ जाएगा, यहां पे। तो डी जीरो की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो डी जीरो की वैल्यू हो गई 1। अब अभी इसका हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट क्लॉक पल्स के बाद ही मिलेगा। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, इसका जो भी आउटपुट आया था, क्या आया था, 1 आया था, वो 1 यहां से जाएगा और कहां पे चले जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से भी 2 ही सिलेक्ट हुआ है, तो ये 1 कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो डी वन की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो डी वन की वैल्यू हो गई 1। फिर इस ये 0 आया था पहले, क्योंकि अभी आउटपुट हमें नहीं मिला है, जो प्रीवियस था ये 0 आया था, तो ये 0 यहां से गया, तो ये यहां पे क्या आ गया, 0। तो यहां से भी क्योंकि 2 ही सिलेक्ट हुआ है, तो ये 0 कहां आ गया, यहां पे। तो डी टू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो डी टू की वैल्यू हो गई 0। यहां से हमें आउटपुट क्या मिला था, 1 मिला था, तो ये 1 यहां से जाएगा और यहां पे क्या हो गया, 1। तो यहां से भी 2 ही सिलेक्ट हुआ है, तो ये 1 यहां पे आ जाएगा। तो डी थ्री की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, हमें जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी, तो क्या होगा, ये फ्लिप फ्लॉप्स ऑपरेट करेंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अब थर्ड क्लॉक पल्स के बाद में, मतलब जब थर्ड फॉलिंग एज आएगी, तो हमें क्या मिलेंगे, आउटपुट्स मिलेंगे। तो क्योंकि डी थ्री की वैल्यू 1 थी, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए थ्री भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से डी टू की वैल्यू 0, तो यहां पे भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ये हो गया 0। डी वन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां से भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर डी जीरो की वैल्यू 1, तो यहां से भी क्या मिला, 1 मिला। तो ये क्या हमने देखा कि अब कौन सा शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। अब मान लिया हमें क्या करना है, नो चेंज। अभी हम ये लास्ट केस भी देख लेते हैं। तो जब हम एस वन एस जीरो की वैल्यू रखते हैं, 0 0 रखते हैं, तो कौन सिलेक्ट होगा, 0 सिलेक्ट होगा। सभी में अब कौन सिलेक्ट हुआ, 0 सिलेक्ट हुआ। इसका मतलब 0 वाली लाइन पर जो भी इनपुट है वो मिलेगा। तो अब 0 वाली लाइन पर क्या आ रहा है, ए थ्री का जो भी कंटेंट्स थे वो, तो ये 1 यहां आया, ये 0 यहां आया, और ये 1 यहां आया, और ये 1 यहां आया। तो अब सभी में क्या सिलेक्ट हुआ है, 0 सिलेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब यहां से ये 1 गया, यहां से ये 0 गया, यहां से कौन गया है, 1 गया, और यहां से कौन क्या गया है, 1 गया है। तो इसका मतलब डी थ्री डी टू डी वन डी जीरो, इनके कंटेंट्स क्या है, 1 0 1 1। तो 1 0 1 1 है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, तो हमें यही सब क्या मिलेंगे, आउटपुट मिलेंगे। मतलब 1 0 1 1 ही मिला आउटपुट। तो ये कौन सा हो गया, नो चेंज वाली कंडीशन हो गई। तो ये क्या था, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर।